कांग्रेस को आजकल कुछ लोग बैलगाड़ी बोलने लगे हैं। बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी। आखिर कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले करीब करीब कई नेता और कई पूर्व मंत्री आजकल बेल पर यानी कि जमानत पर है, लेकिन आपने जिस भरोसे के साथ कांग्रेस की संस्कृति को नकारा और भाजपा को जनादेश दिया, उस भरोसे को दिनों दिन मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम न्यू इंडिया के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2022 में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगले वर्ष मार्च में ही राजस्थान के गठन को 70 वर्ष होने वाले हैं। न्यू इंडिया का निर्माण नए राजस्थान के बगैर संभव नहीं है।